नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी रीजनिंग में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूंगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। तो देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं घड़ी। घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब हमने पढ़ लिया है, आज पढ़ेंगे हम जल प्रतिबिंब। देखिए, जल प्रतिबिंब का नियम आपको मैंने पहले ही बता दिया, यानी ऊपर वाला भाग नीचे की ओर दिखाई देगा और नीचे वाला भाग ऊपर की ओर, ये सिस्टम होता है इसमें। ऊपर वाला भाग नीचे की ओर, नीचे वाला भाग ऊपर की ओर दिखाई देता है। तो मैं आपको यहां पर कुछ ट्रिक बताता हूं। जब समय 1 से लेकर 5 बज के 30 मिनट के बीच हो, टाइम कैसा हो, 1 बजे से लेकर 5 बज के 30 मिनट के बीच हो, तो इसे 5.90 में से माइनस करना होगा। समझ चुके हो आप? यानी जब घड़ी का टाइम कैसा हो, 1 बजे से लेकर 5 बज के 30 मिनट के बीच हो, तो उसे 5 बज के 90 मिनट में से माइनस करना है। दूसरा कि जब टाइम आपके 5 बज के 30 मिनट से लेकर 1 बजे के बीच हो, तो उसे 17.90 में से क्या करना है, माइनस करना है। देखिए, 1 से लेकर 5.30 के बीच हो, यानी 1 से लेकर 5 बज के 30 मिनट के बीच हो, तो 5.90 में से घटा लो, और इसी प्रकार 5 बज के 30 मिनट से लेकर 1 बजे के बीच हो, तो 17.90 में से घटा लो। देखिए, मैंने आपके सामने 3 सवाल लिखे हैं, 2 बज के 40 मिनट। अब आप इस सवाल को देख के बता सकते हैं कि 2 बज के 40 मिनट है, तो इसका मतलब 5.90 में से घटाएंगे। किस में से घटाएंगे? 5.90 में से, क्योंकि 1 से ऊपर और 5.30 से नीचे का टाइम दे रखा है। अब देखो, आप 90 में से आप 40 माइनस करोगे तो 50, 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3.50। पहला सवाल का आंसर होगा 3 बज के 50 मिनट। उसी प्रकार 3 बज के 10 मिनट, इसको भी 5.90 में से माइनस करो, 90 में से आप 10 माइनस करोगे तो हो जाएगा आपके 80, 5 में से 3 माइनस करो 2.80। 2.80 कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि 80 मिनट नहीं होते हैं। इस 80 मिनट को हम घंटे में परिवर्तित करते हैं तो 80 मिनट को हम घंटे में परिवर्तित करते हैं तो 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट इसमें जोड़ते हैं तो 3 बज के 20 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 बज के 20 मिनट। इसी प्रकार 10 बज के 10 मिनट है। अब आपको देखना कि 10 बज के 10 मिनट है 5.30, यानी 5 बज के 30 मिनट से लेकर 1 बजे के बीच का जो टाइम दे रखा है, 17.90 में से घटाना होगा। 17.90 में से 10 घटाओ 80, 17 में से 10 कटो 7, यानी 7 बज के 80 मिनट। अब आपको क्या करना है, इस 80 को घंटे में परिवर्तित करना है। घंटे में परिवर्तित करते 1 घंटा 20 मिनट होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 8 बज के 20 मिनट। तो इस प्रकार आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। तो बेल आइकन को जरूर दबा देना।